एक प्रोफेटिक वर्ड है, उसे जस्ट 30 सेकंड के लिए हम चलाएंगे, उसके बाद उसको इंटरनेट पे डाल देंगे ताकि मैं 30 सेकंड सिर्फ सुनूं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं। उस चलाना क्लिप को जल्दी से। ये एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, और आप हैरान होंगे कि एक वर्ड पूरा हुआ, सिंगल वर्ड। और टाइम आने वाला जो पूरी दुनिया के पैसे जड़े हैं वो कागज ठहरेंगे। जैसे कि परमेश्वर के वचन अमोस की किताब 3 अध्याय उसकी 7 आयत में लिखा है, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मरम यानी अपना भेद बिना प्रकट किए कुछ भी ना करे। परमेश्वर ने अपने दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के ऊपर समय समय पर भेदों को जाहिर किया, जो आज हम अमेरिका में होता हुआ देख रहे हैं। उसके विषय में पहले से ही परमेश्वर के दास ने बता दिया था। बैंकों के विच आने वाले टाइम च पैसा रखना सेफ नहीं होएगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा का मैसेज भी चर्च दे सकती है कि आने वाले टाइम च करेंसी फेल होने वाली और वो लोगों को झटका लगना जिन्हों का सारे पैसे बैंक के विच ने। एक दिन बैंक ने कहना पाजी छोड़ो पिछला साडा भी जीरो हो गया, तुहाडा भी जीरो, ऐसा 100% होएगा। तुसी भी इत्थे ते मैं भी इत्थे, मैं भी नहीं चला कि सामने होएगा अखा। ये एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, और आप हैरान होंगे कि एक एक वर्ड पूरा हुआ, सिंगल वर्ड। अमेरिका के डॉलर को किस तरह खत्म करना है दुनिया उस तरफ है, मैं जानता हूँ। सब कुछ इजाफे में था, प्लस था, बैंक अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे, बैंक डूबेंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा बोला गया एक एक शब्द पूरा हुआ। आज 19 मार्च 2023 को अमेरिका के 2 बड़े बैंक सिलिकॉन वैले और सिग्नेचर बैंक बंद हो चुके हैं। लोगों की बड़ी भीड़ बैंक के बाहर जमा हो गई। बैंक्स में से पैसा निकलवाने के लिए लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अपना पैसा निकलवाने के लिए लोगों को बैंक्स के बाहर लाइंस में खड़ा होना पड़ा। इतने बड़े झटके के कारण अमेरिका में अस्थिरता का माहौल है। प्रेज द लॉर्ड पापा जी, प्रेज द लॉर्ड पापा जी। मेरा नाम सुनीता है और मैं यूएसए कैलिफोर्निया तो इतने बीते दिन 2 बैंक बंद हो गया एकदम, और लोगों को सवेरे उठते मैसेज ही आया कि उन्होंने जोड़े पैसे हैं वो कढ़ा लैन क्योंकि बैंक बंद हो गया। और सवेरे ही लोग लाइना के लंबे लंबे लाइना के खड़ गए, तो उत्थे जा के उन्होंने बहुत सारा इस गल का विरोध भी किया कि इदा इस तरह कि उन्होंने नाल। और जो बैंक बंद हैं उनका नाम है सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक। अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ चैनल्स जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, CNN, CBS न्यूज़, ABC न्यूज़ में बताया जा रहा है कि अमेरिका के टॉप मोस्ट बैंक्स बंद हो गए हैं। सिग्नेचर बैंक मार्क्स द 3rd लार्जेस्ट बैंक फेलियर इन US हिस्ट्री। रेगुलेटर्स से ऑल कस्टमर डिपॉजिट्स विल बी इंश्योर्ड इन दैट केस एज वेल। 100 बिलियन इन एसेट्स एंड डिपॉजिट्स। It's the largest bank to fail since the 2008 financial crisis. America, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और अमीर देश है, इस बात के कारण वहाँ का माहौल खराब हो रहा है, ये एक हैरानीजनक बात है। जो आपने अभी देखा ना, इसकी गूंज कम कर लड़के, एक बार सुना कर बात को। ये जो प्रोफेटिक वर्ड आपने देखा, ये जस्ट एक शुरुआत है जो मैंने आपको बताया 5 साल पहले। 16 से 7 साल हो चुके हैं, कम कर इसको। ये अभी शुरुआत है। कोई जा सकता है इसके पास, इस बंदे के पास? ओके, अभी अगली प्रोफेटिक वर्ड सुनो। अभी तो बैंक फिर भी बोलेंगे ठीक है, आपका मनी हम दे देंगे, एडजस्ट कर लेंगे, डूबा नहीं है। फ्यूचर में ऐसा होगा कि वो आपको पैसा नहीं दे पाएंगे। और मैंने यूएस की बात, अगर आप प्रोफेटिक वर्ड को इंटरनेट पे डाल दिया जाएगा, आप दोबारा सुनना, मैंने यूएस स्पेशल बोला है। इसमें जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, ATOM कुछ होगा और उसके बाद वर्ल्ड में करेंसी, पेपर करेंसी फेल हो जाएगी। और ये आने वाले, मैंने जब आपको बताया 16 में, मैंने कहा था आपको कि ये एकदम से नहीं होगा, पर आप ऐसी न्यूज़ को सुनेंगे और ये निशानी होगी
यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। जब मैंने आपको फूड क्राइसिस के बारे में बोला, मैंने आपको बताया था कि वो अमेरिका से उसकी खबरें कम, लेकिन यूरोप से ज्यादा आएंगी, मिडिल ईस्ट से ज्यादा आएंगी। लेकिन जब आप फाइनेंशियल क्राइसिस की खबरें सुनेंगे, आपको वहां से ज्यादा आएंगे। एक समय ऐसा होगा कि लोगों के पास पड़ा मिलियन बिलियन कैश एक कागज की रद्दी बन जाएगा उन देशों में। और कैसे बन जाएगा, मैंने आपको पहले वो बोला है, लेकिन मैं उसे कंप्लीट नहीं बोलूंगा। और ये वर्डिंग मैं आपको चला के दिखाऊंगा आज से कुछ साल बाद। और ये क्यों हो रहा है, परमेश्वर तैयारी करवा रहे हैं आपकी और मेरी और उन लोगों की कि वो आने वाले हैं। अभी तो कुछ भी वो कहें, लेकिन आने वाले टाइम में, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सारा पैसा बैंकों में है तो आप एक डेंजरस पोजीशन में हैं। आपके पास लैंड होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, सोना होना चाहिए, चांदी होनी चाहिए, पशु होने चाहिए, घर होने चाहिए। जिनके पास ये होंगे वो अमीर होंगे। और मैं कहता आ रहा हूं और अब अपनी आंखों से पूरा होते हुए आप देख रहे हैं। और ये शुरुआत है, ये प्रोफेटिक वर्ड की कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी तक यानी कि खत्म हो गया अभी, ये खत्म नहीं हुआ, ये शुरुआत है उस प्रोफेटिक वर्ड जो आपके सामने हो रहा है। लार्जेस्ट बैंक्स, और वो कह रहे कि बंद है और गोरे लाइन में खड़े हैं। आपको ये मैं वचन इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको मालूम हो कि परमेश्वर आने वाले समय को जानता है। अगर वो देशों के बारे में जानता है तो जिसने आपको अपना लहू मोल देके खरीदा है वो आपको कैसे जानता होगा।